हेलो फ्रेंड्स, मैं आरडी आप सभी के लिए आज भिन्नों के सरलीकरण के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं, जिनको आप एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारा टाइम लगाकर सॉल्व करते हैं। आज सीखेंगे कि इनको आप कैसे विद इन 5 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं और इजी मेथडों से कर सकते हैं, कम से कम गणना के साथ में। तो ये बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो, अगली 5-10 मिनट के साथ मेरे साथ बने रहें, जिससे कि ये लेटेस्ट जो क्वेश्चन आपके पेपर्स में आए हुए हैं और इन फ्यूचर भी आपके रेलवे एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड या अन्य किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए सहायक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं कि इस वीडियो में किस प्रकार के क्वेश्चंस की बात करूंगा। मोतियों की एक माला जिसके टूटने पर 1/8 मोती हैं वो फर्श पे, 1/4 मोती कुर्सी पर, 2/5 मोती सोफे पर गिरते हैं और 18 मोती हैं वो स्टैंड में रह जाते हैं। तो सोफे पे गिरने वाले मोतियों की संख्या पूछी थी। ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत सारे अड़ंदड़मों से करते हैं, आपको मैं बेसिक सी गणना इनकी सिखाऊंगा, जिससे कि आप इनको बहुत जल्दी से कर रहे होंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा, हाल ही में सीटेट में पूछा हुआ है कि एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र हैं वो शतरंज खेलते हैं, बाकी तैराकी करते हैं। और इस प्रकार से आपको दिया है कि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है, तो आप ये बताइए कि शतरंज कितने छात्र खेलते हैं। कुछ इस अंदाज के क्वेश्चन हो सकते हैं कि एक बीकर के अंदर 3/7 भाग पानी भरा हुआ है या किसी टंकी का इतना हिस्सा पानी से फिल है और अनफिल हिस्सा आपसे पूछा जाए कि बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी और आवश्यक है, यानी जो खाली हिस्सा है उसमें 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो इनको आप कैसे करते, पहले समझिएगा, छोटी छोटी बात मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या है और उसे किस प्रकार से आप इजी तरीके से सोल्व कर पाते। एक बीकर में 3/7 भाग पानी है, कभी भी आपको ऐसे हिस्सों टाइप से सिंगल हिस्सा दिखाए या 2-4 हिस्सों का टोटल देकर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है। यहाँ जो हिस्सा होता है, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है 3/7, इसका मतलब ये समझिए कि टोटल जो राशि है कंपेयर किया गया होगा वो नीचे रहा होगा, यानी ये 7 में से 3 है। यदि 7 लीटर की टंकी है तो 3 लीटर पानी उसके अंदर मौजूद है। बीकर में ऊपर तक पानी भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। बीकर की धारिता बताइए, टोटल कैपेसिटी कितनी है उस बीकर की। तो आप क्या करते, नीचे वाले को टोटल मानते। ध्यान से देखें, 7 लीटर की टंकी है उसमें से 3 लीटर भरा हुआ है, इसे अनुपातिक सोचते आप, और 4 लीटर खाली है, ये भरा हुआ है और ये हिस्सा खाली है आपके पास में। अब आपको ये कह रखा है कि बीकर में ऊपर तक पानी भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो ये पानी भरने के लिए जो 16 लीटर पानी डाला गया वो कौन से हिस्से में डाला गया, खाली वाले हिस्से में डाला गया। तो आप खाली वाले हिस्से को में जो 4 अनुपात है वो 16 लीटर का काम कर रहा है। 4/16 लीटर हो तो कोई भी बता देगा कि 1/4 लीटर होगा। 4/16 हो तो 1/4 लीटर होता, और 3/ कोई पूछता तो 4×3=12 लीटर होता, और टोटल कैपेसिटी पूछता तो 1/4 है तो 7/7=28 लीटर हो जाता। आपका ऑप्शन बी सही होता। ये ओरली भी सोच सकते थे आप, मौखिक भी सोच सकते थे, बेहद आसान था कि 7 में से 3 पानी भरा हुआ है, 7 में से 4 पानी खाली है। तो 4/7 हिस्सा खाली के हिस्से में है, ये 16 लीटर पानी खाली हिस्से में भरा गया है, तो 4/16 था टोटल आपका, वो नीचे वाला हिस्सा टोटल मान लें इस प्रकार की चीज़ों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको भिन्नों में पढ़ा रखे हैं, आप भिन्नों की वीडियो को जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर उसको, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको। सेकंड वाला देखिए कि एक विद्यालय है उसमें 200 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 200 में से 7/10 भाग विद्यार्थी लड़के हैं, मतलब दो कैटेगरी हैं, एक कुल विद्यालय के अंदर छात्र हैं उसमें से सम आर बॉयज और सम आर गर्ल्स, कुछ लड़के हैं और कुछ उनमें से लड़कियाँ हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनका हिस्सा दिया है, हिस्से को नोट कीजिए आप शुरू में। पर्सन कह रहा है
सात बटा दस भाग विद्यार्थी हैं, यानी दस में से सात भाग विद्यार्थी लड़के हैं, दस में से यानी कुल आपका रहा होगा दस, उसमें से सात भाग हैं वो लड़के हैं, बॉयज हैं सात। तो आप मुझे ये बताइए दस में से गर्ल्स का हिस्सा कितना रहा, तीन। बेहद छोटी सी बात है ये, और पाँच सेकंड की बात थी यदि आप नीचे वाले को टोटल सोचते और उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो अलग अलग से देख पाते। चलिए तो नीचे वाले को टोटल दस समझा और फिर उसमें से सात लड़के थे तो तीन लड़कियां हो गई, ये अनुपातिक बंटवारा कर दिया। अब कह रहा है कि एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, 200 विद्यार्थी थे ये, 200 विद्यार्थी, तो 10 बराबर कितना हो गया। तो आप कहते सर 10 बराबर 200 हो गया, 10 बराबर, आप कहते कि 10 बराबर 200 है। अब मैं आपसे ये पूछता कि 1 बराबर कितना होता, तो आप ये कहते 10 बराबर 200, तो सर 1 बराबर 20 होता, 1 बराबर 20 होता तो 7 बराबर कितना होता, 140 होता, 7 × 2 = 14, 140 और 20 × 60, ये 60 होता। आपसे ये कह रहा था कि वहाँ पर लड़कियों की संख्या कितनी है, सब कुछ निकाल पा रहे हैं आप ऐसे, ये ज़रूरी नहीं है लड़कों की संख्या पूछी जाए, लड़कियों की जो भी पूछा जाए, इनका डिफरेंस पूछा जाए, डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि लड़के लड़कियों से कितने अधिक हैं या लड़कियाँ लड़कों से कितना कम है, कम अधिक भी कहे तो भी आप इसे फाइंड कर सकते हैं। बेहद आसान चीज़ें हैं और आप इन्हें सीख सकते हैं, बस आप टारगेट रखें तो कि ये नीचे वाली चीज़ है उसे आप टोटल काउंट करें। चलिए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं और उन्हें सोल्व करना देखते हैं कि ये भी बेहद आसान सी बात है, इसको भी पूरा अपन देखते हैं कि और बाकी चीज़ें, उसने तो बहुत छोटी सी बात पूछी थी सीटेट में, लेकिन आप और चीज़ें भी इसमें ज्ञात करते तो कैसे करते। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 1/2 छात्र तो बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 आधे छात्रों का मतलब होता है 1/2 हाफ हिस्सा तो बैडमिंटन खेलने जाता है, 1/4 है वो वॉलीबॉल खेलने जाता है, 1/8 टेनिस खेलने जाता है, 1/16 शतरंज खेलने जाता है। अब बात यह है कि शेष हैं वो तैराकी के लिए जाते हैं और बाकी शेष हिस्सा और है, तो ऐसे आपके पास में पांच हिस्से हैं इस प्रश्न के, इन पांचों में से कुछ भी गिविन हो सकता है और कुछ भी आपसे फाइंड करवा सकता है। चलिए क्या कह रहा है वो, पहले तो मैं इसको हिस्सों में बांटता, ऐसा कभी भी क्वेश्चन हो तो इसे हिस्सों में कैसे बांटेंगे आप, इसके नीचे वालों का आइडिया लगाए, इसके नीचे 16 है, 8 है, 4 है और 2 है, बेस में जो संख्या है, बेस वाली चीज़ जो हर में संख्या है उसे देखिए कि एक टोटल संख्या इन हर में से उठा लीजिए, ऐसी संख्या उठा लीजिए जिसमें 2, 4, 8 और 16 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो मैं यहाँ से उठा रहा होता वो संख्या, वो हो जाती 16, कि 16 में सभी का भाग चला जाएगा, 16 के पांच हिस्से करता मैं, पांच हिस्से हो गए ये 16 के। पहले वाला हिस्सा है वो कह रहा है कि बैडमिंटन है, ये बैडमिंटन का था, दूसरे वाला हिस्सा है वो वॉलीबॉल का है, तीसरे वाला हिस्सा है वो टेनिस का है, टेनिस, अगले वाला है वो शतरंज का है और लास्ट वाला है वो तैराकी का है। अब देखिए मैंने अनुपात लगाना बताया था, 16 में से 1/2 यानी ये 2 16 बनेगा तो 2 टोटल 16 मानते हैं तो ये 8 हो जाएगा। तो पहले वाला उसका आधे तो वॉलीबॉल खेलते हैं, इसको मैं 8 कंसीडर करता, ये 8 हो गया। बैडमिंटन वाले वॉलीबॉल वाले हैं 1/4 तो 16 का 1/4 करता तो ये 4 आ जाते, बेहद आसान सी बात थी। टेनिस जो खेलने वाले हैं वो 1/8 हैं तो 16 का 1/8 आप जानते हैं 2 हो गया। शतरंज खेलने वाले 1/16 यानी 16 में से 1 तो 16 का 1/16 करते ये 1 होते हैं, यानी 8 ये हो गए, 4 ये हो गए, 12, 2 = 14 और 1 = 15 तो ये हो गए। तो तैराकी वाले कितने बच गए, 1 तैराकी वाला बच गया, ये इन सभी का अनुपात होता। यदि आपसे कोई अनुपात पूछा जाता तो ये इसका अनुपात निकालते, ऐसे आप देख के भी निकाल सकते थे। ये तो बेहद आसान था, मैंने इसको पूरा दिखाया है आपको कि क्या क्या पूछ सकता है और क्या क्या इसमें गिविन था। अब मुझे ये बताइए ये जो 160 है वो क्या है, वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या है, वॉलीबॉल 4 खेलते हैं 16 में से, तो 4 बराबर गिविन है कि 4 बराबर क्वेश्चन कह रहा है कि 160 है, 4 अनुपात की वैल्यू 160 हो तो आप मुझे ये बताइए
एक अनुपात की वैल्यू कितनी होती, 40। और उसने क्या पूछा है, कितने छात्र शतरंज खेलते हैं, शतरंज एक ही खेलता है, अनुपात में एक है, तो एक बराबर 40 हो जाता, बेहद आसान सी बात थी। देखिए क्वेश्चन में इतनी चीजें, अब आपसे कोई ये कहे कि आप मुझे बताइए टेनिस कितने खेलते हैं, तो टेनिस के दो है, तो दो पूछता तो मैं 80 बता देता कि टेनिस खेलने वाले दो अनुपात में है। कोई ये पूछता बैडमिंटन खेलने वाले बताइए, तो बैडमिंटन खेलने वाले 8 हैं, एक बराबर 40 है, तो 8 बराबर 320 हो गया। या ऑल ओवर टोटल पूछे, तो टोटल पूछे तो 16 बराबर निकाल दूंगा, एक बराबर 40 होगा तो मैं 16 बराबर आसानी से फाइंड आउट कर रहा हूँगा। तो ये एक बेहद छोटी सी बात थी, इसे आप कई तरीकों से सीख सकते हैं। ये तो हो गया कि इस प्रश्न को पूरा देखते आप, प्रैक्टिस में तो आपको पूरा देखना जरूरी होता है, लेकिन यदि मान लो आपसे ऐसे यहाँ पर दिखाया है कि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्र 160 हैं, तो यहाँ देखिए वॉलीबॉल खेलने वाले छात्र कितने हैं, 1/4, यानी 1/4 की वैल्यू दे रखी है उसने 160, और वो पूछ रहा है कि शतरंज वाले बताइए, तो शतरंज वाले छात्र हैं 1/16 ये है। तो यदि मान लो मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन को 1/4 से गुणा कर दूँ तो 1/16 बन जाएगी, तो इसे मैं 1/4 से गुणा भी कर सकता था तो ये 40 आ जाता। तो ये भी समझ पाए होंगे, कैसे भी सोच लेते, ये बेसिक गणना थी, बगैर पेन कॉपी के भी सोची जा सकती थी यहाँ पे कि 1/4 की जो वैल्यू है वो 160 गिविन है, तो उसे मैं 1/16 कैसे बनाऊँ, तो 1/16 1/4 को 1/4 से और गुणा कर दीजिए तो वो क्या बन जाएगा, 1/16। और बाकी वैसे अनुपात के तरीके से सोचें तो वो ज़्यादा बेटर वे है। ऐसे पिछली एग्जामों में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं हाल ही में, रेलवे एग्जाम बाकी अन्य एग्जाम, उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है और ये आसान भी है, एग्जाम में आना आपके लिए बोनस है ये चीज़ें सारी। ये NTPC 2016 में आया हुआ है और बेहद छोटी सी बात है, मोतियों की एक माला जिसके टूटने पर 1/4 मोती तो फर्श पे गिर गए, फर्श पे गिरने वाले हो गए 1/8 मोती, 1/4 मोती हैं वो कुर्सी पर गिर गए, कुर्सी पर 1/4, सोफे पर जो गिर गए सोफे पे गिरे वो 2/5 गिरे, और 18 मोती स्टैंड में रह गए 18 मोती। ये संख्या है, ये हिस्सा है, तो आप इन सब के अनुपात बना सकते हैं, इन तीन चीज़ों से आप अनुपात बना सकते हैं। मैंने ऐसे कहा कि अनुपात बनाएं कैसे, इसके हरों को देखिए, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, इनके नीचे वाली संख्या को देखिए, नीचे वाला टोटल माने आप, और एक ऐसी संख्या टोटल माने जिसमें 8 का 4 का और 5 का भाग चला जाए, तो 20 मानेंगे तो भाग जाएगा नहीं 8 का, 40 मान लीजिए, तो आप यहाँ पर क्या करते, टोटल संख्या मानते 40, ये कुल हो गया, कुल मोती हो गए 40। अनुपात के लिए एक आइडिया लगाया अपन ने कि इन सभी नीचे वाले हरों का भाग चला जाए, एक ऐसा नंबर मान लिया। अब इसमें 4 कैटेगरी हैं, चारों अलग अलग कैटेगरी हैं, चारों देख पा रहे होंगे क्या कैटेगरियाँ दी हैं उसमें। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग कह रहा है 40 का 1/8 फर्श पे गिर गया, इसका 1/8 हो जाएगा 5, 1/8 से गुणा कर दूँ मैं तो सीधा ही पता चल गया होगा, 1/4 इसका हो जाएगा 10, उसके बाद इसका 2/5, 5 का भाग इसमें दूँ 8 बार और 2 से गुणा करूँ ये 16 थे, और सोफे का पता अभी है नहीं, सोफे का तो ये 18 है, वो तो टोटल है, वो तो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखिए 5 यहाँ गिर गए, 10 यहाँ 15 और 16 यहाँ 31, तो सोफे पर कितना है 9। अब ये बेहद आसान हो गया था, अब आप मुझे ये बताइए स्टैंड के 9 हैं वो 18 के इक्वल हैं कि नहीं, 9 बराबर यदि 18 गिविन है प्रश्न में, ये 18 है वो 9 अनुपात की वैल्यू है, तो 9 अनुपात बराबर 18 है, तो 1/2 है। अब मैं बेहद आसानी से निकाल सकता हूँ, 5/10 होगा, 10/20 होगा और 16/32 होगा और 9/18 दे ही रखा है। सोफे पर गिनने वाले मोतियों की संख्या बतानी थी, तो सोफे के ऊपर जो मोती गिरे हैं वो आपके 32 हैं, तो आपका जो आंसर हो जाता है यहाँ से वो सी ऑप्शन हो जाता है। ये एक एक लिखा है, आप एग्ज़ाम में ऐसे एक एक नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वहीं से ही सोल्व कर रहे होंगे उसको। एग्ज़ाम में क्या होना चाहिए था, ये तो मैंने एक एक आपको दिखाया है, एग्ज़ाम में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम में ऐसे कुछ लिखना नहीं था आपको, ऐसे मतलब डायरेक्ट अनुपात सोचना था एग्ज़ाम में, वहाँ देखना था 1/8 मोती फर्श पे, तो 8 नीचे है इसके, 4 नीचे है,
इसके पांच नीचे है, चार आपके पास में चार प्रकार की कैटेगरी है मोतियों की, तो कुल मान लेते यहाँ से ही 40 मानते, उसका 1/8 करते ये 5 आता, 1/4 करते 10 आता, 2/5 करते तो 8 × 2 = 16 आता, ये मिसिंग है। तो ये आप यहाँ से लगाते 40 में से 5, 10, 15, 16, 31, तो ये 9 बच गया। अब आप इसे सोच देते डायरेक्ट कि 9 बराबर क्वेश्चन ने गिविन किया है 18, तो 1 बराबर हो गया 2, 1 बराबर 2 तो 5 बराबर 10, ये तो निकालना ही नहीं था, आपको निकालना है मोती जो सोफे पे गिरे हैं, तो सोफे पे गिरने वाले ये 16 हैं तीसरे स्थान पर, तो 16 दुआ क्या हो जाता 32, बस इतना सा आप निकालते यदि एग्जाम में होते। रेलवे ने काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं पिछले दिनों डी ग्रुप वगैरह में, आरपीएफ के अंदर, आगे भी आने वाली जो आपकी एग्जाम है किसी भी एग्जाम में, ये ज़रूरी नहीं है कि ये रेलवे के लिए ही है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, कहीं भी जहां मैथ आती है वहां से आपको पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि रेलवे के लिए कुछ अलग से भिन्ने चलती होंगी और दिल्ली पुलिस के लिए कुछ अलग चलती होंगी या फर्स्ट ग्रेड सीटेट इनके लिए अलग चलती होंगी, सभी एक ही बात होती है। इनको आप देखें, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं जिनमें से 1/5 भाग लड़के हैं, बेहद आसान है, सिंगल है ये, तो देख के ही बता सकता है। नीचे वाली चीज को 5 मान लें, 5 टोटल मान लें, 5 में से एक लड़का, 1/5 का मतलब होता है 5 में से एक लड़का है, तो 5 में से एक लड़का है तो चार हिस्सा है वो गर्ल्स का है, ये बॉयज हो गए और ये गर्ल्स हो गए और टोटल 5 हो गए। अब आपको क्या करना था, विद्यालय में लड़कियों की संख्या क्या है, 200 विद्यार्थी हैं यानी 5 बराबर 200 है, 5 बराबर 200 है तो 1 बराबर कितना है 40, 5 का भाग दे देता मैं, 1 बराबर 5 हो तो 5 बराबर 200 हो तो 1 बराबर 40 हो गया। अब आप मुझे ये बताइए 1 बराबर 40 है तो ये तो 40 है और ये 40 × 160 है, तो आपको ये बताना था लड़कियां कितनी हैं, तो आपका जवाब हो जाता ए, ये देख के बताया जा सकता था, बेहद आसान सा क्वेश्चन है। और रोजाना मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ अन्य वीडियो लाता रहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के ऊपर अपने साथियों को ग्रुप के अंदर चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। और नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए कुछ लंबा लेके आऊँगा, अभी थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है उस वजह से मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप के अंदर शेयर कर दें और अपना ख्याल रखिएगा, फिर से नए वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।